तस्करों की नजर लग गई है। हरे भरे वृक्षों को बड़ी ही बेरहमी के साथ काटा जा रहा है और यदि इस अवैध कटाई का जल्द विराम नहीं लगा तो नर्सरी का नामो निशान मिट जाएगा। प्रदूषण के मार झेल रहे कोरबा में ऐसी कटाई दुखदायी है। यही वजह रही कि क्षेत्रवासियों ने इस अवैध कटाई का विरोध करते सड़कों पर आ गए। यहाँ पे लगभग रह रहे हैं और अभी जो वर्तमान में हम लोगों को समस्या थी वही समस्या थी, कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं थी सर। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कॉलोनी से लगा हुआ एक ग्रीन जोन जिसको अपन कह सकते हैं, लोग सुबह शाम टहलने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा जो है इसको, इन पेड़ों को जो है आप पीछे जो देख रहे होंगे, इन पेड़ों को काटा जा रहा है और काट करके अवैध कब्जा इसमें किया जा रहा है, निशान बनाए जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पर बस्ती के लोग हैं, कुछ और लोग हैं जिनको हम नहीं पहचानते हैं, हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये कहाँ के लोग हैं, किस तरीके से हैं। तो उनके द्वारा कुछ लोकेलिटी के नाम पर या किसी के और के नाम पर, जैसे भी हों, उनके नाम पर ये कब्जे किया जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कब्जे को रोका जाए, इन हरे भरे पेड़ों को बचाया जाए, क्योंकि पूरे कुसमुंडा जोन में बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आई है उभर करके, क्योंकि वर्तमान समय पर्यावरण संरक्षण का समय चल रहा है और वन विभाग भी लोगों को हजारों हजारों पेड़ पौधे बांट रहे हैं कि आप लगाएं और हरियाली लाएं, और जहां पे अवैध रूप से कटाई करके कब्जा कर रहे हैं वो जगह बहुत ही सुरक्षित जगह है। एसईसीएल के द्वारा पौधारोपण पिछले 20-25 वर्ष पहले किया गया था और बहुत ही वो जीवन उपयोगी है वो पेड़ पौधे जिनको काटा जा रहा है, क्योंकि बगल में साइडिंग है और उस पेड़ पौधों के कारण धूल डस्ट वैशाली नगर या अन्य कुसमुंडा की तरफ नहीं आता है। तो अगर अवैध रूप से कब्जा हो जाएगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे, तो निश्चित रूप से कि मानव जीवन संकट में पड़ सकता है।